हेलो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि तुम बताओ कि सबसे सुपर पावर कंट्री कौन सी है इस दुनिया में, तो आपके मन में ये सारे सवाल गूंजेंगे कि कौन सी कंट्री की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, कौन सी कंट्री की GDP 20 trillion dollars से ज़्यादा है, कौन सी कंट्री की जो मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी कंट्रीज़ के पास सबसे ज़्यादा नोबेल पीस प्राइज़ है, कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स है। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे और इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अमेरिका, अमेरिका एंड अमेरिका। तो हम बात करने वाले कि अमेरिका का रीज़न क्या है ऐसा, कि वो जो है हम देखते हैं कि मिलिट्री में भी हम देख रहे हैं, साथ ही में हम देख रहे हैं फाइनेंस में भी, इकोनॉमी के मामले में भी USA नंबर वन चलता है, तो इसका क्या रीज़न है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ईयर 180 से लेकर अब तक की बात की कौन सी कंट्रीज़ का कितना GDP शेयर था। तो हम देखें ये जो रिपोर्ट है ईयर 180 मतलब 1 anno domini से लेकर अब तक का है, तो हम देखते हैं 1800 years मतलब 1800 साल तक इंडिया और चाइना ही सबसे बड़ी सुपर पावर होती है, लेकिन 1900 से लेकर अब तक मतलब 100 सालों में USA अपनी डोमिनेंस पाने लगता है पूरे इकोनॉमिकल शेयर में। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया कि 1800 से क्या है, लेकिन अब हमको उसको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा अमेरिका की। तो हम चलते सीधा हिस्ट्री पे। तो इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है डिस्कवर करते कुछ करीबियन आइलैंड्स नियर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद वो कुछ जो है करीबियन आइलैंड्स को जो एक्सप्लोर करते हैं, और तभी से जो यूरोपियंस होते हैं उनको जो है पता चल जाता है अमेरिका के बारे में, और अराउंड 1600s जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी पहली कॉलोनी एस्टैब्लिश करते हैं अमेरिका में, और साथ में फ्रांस भी जो है कॉलोनाइजेशन शुरू कर देता है। हम देखते हैं 4 July 1776, ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक दिन होता है अमेरिका के लिए और अमेरिकन के लिए। इस दिन जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है अमेरिका का, और ये वो समय होता है जिस समय जो है ब्रिटिशर्स फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनाइजेशन जो है कॉलोनाइज कर रहे होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को, इसमें इंडिया भी शामिल होता है जिसको ब्रिटिश राज जो है उसमें था इंडिया, तो मैंने बता दिया। तो और साथ ही में तभी से हम देखते 4 July 1776 से इसका नाम हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब इसकी जो इकोनॉमी होती है वो 1850 से रोज़ अप करना शुरू करती है जो अमेरिका की इकोनॉमी होती है। और साथ ही में मैं बताता हूँ जैसे USA फ्री हो रहा है तब हम लोग जैसे बहुत सारे स्टेट जैसे देखते जैसे टेक्सास हो गया, फ्लोरिडा हो गया, इलोनिस हो गया, ओहियो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये सब पार्ट नहीं थे उस समय जो अमेरिका का, और इनके पास दो ही ऑप्शन थे जैसे फ्लोरिडा का, इलोनिस और ओहियो, इनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो ब्रिटिश फ्रेंच या स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के राज में रहे या तो जो है USA के पास चले जाए, और उस समय एक एडवांटेज था USA के लिए, उस समय USA एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, डेमोक्रेसी वहाँ पे थी, तो इस वजह से कोई भी कंट्री जिसके पास दो ऑप्शन जिसके पास ऑप्शन है कि वो USA का पार्ट बने तो वो ही चुनता। तो जो ऐसे बहुत सारे स्टेट जैसे फ्लोरिडा, इलोनिस, ओहियो, ये सब जो ज्वाइन कर लेते हैं USA को, ऐसे करते करते जो है 48 स्टेट्स ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 50 स्टेट्स है, तो 48 स्टेट्स के साथ साथ दो और स्टेट्स है उसकी भी कहानी अलग है। हम देखते हैं कि USA जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, लेकिन वो भी खुद चाहता है कि उसकी जो टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो, तो इसका एक रीज़न है जैसे हम देखते हैं अलास्का जो कि कनाडा के साथ बॉर्डर जोड़ता है वो जो है USA की टेरिटरी। अब कैसे हम देखते हैं कि अलास्का की टेरिटरी USA जो है खरीद लेता है रशिया से एट द प्राइस ऑफ $7.2 million। अब एक और एग्जांपल है हवाई, मैंने बताया तो हवाई कैसे पार्ट बनता है, हवाई तो बहुत दूर है USA से, तो USA एनेक्स कर लेते हैं वहाँ पर मतलब कब्जा कर लेते हैं, वहाँ की जो किंगडम ऑफ हवाई होती है उसको ओवरथ्रो कर देता है उसकी जो गवर्नमेंट होती है, और ऐसे ऐसे करते करते 50 स्टेट्स हो जाते हैं USA के पार्ट बन जाते हैं 50 स्टेट्स। और एक और बहुत अच्छा किस्सा है, मतलब हम देखते हैं USA जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, लेकिन उसका कब्जा एशिया पे में भी था, वो कैसे था मैं बता दूँ, फिलीपींस कंट्री है एशिया में,
उस कंट्री को जो है यूएसए ने एनेक्स कर लिया था। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होती है कि मतलब यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसने जो एशिया पे कब्जा करा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि फिलीपींस एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो कैसे, बिकॉज इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और उससे एक साल पहले मतलब 1946 को जो फिलीपींस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, मतलब उसको यूएसए से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए कि जो है ये कैसे होता है अमेरिका के अंदर 50 स्टार्स कैसे होता है। अब हम बात करने वाले इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ यूएसए। अब इसकी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। हम देखते हैं 1900 से लेकर 1950, ये जो 50 साल थे, इस साल में जो यूएसए की इकोनॉमी है वो जो चांद पे पहुंच जाती है, वो कैसे, इस समय जो दो वर्ल्ड वॉर्स हो रही होती है। अब हम देखते हैं यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लड़ाई जो यूरोप में हो रही थी, तो उस समय यूएसए की इकोनॉमी कैसे बढ़ी। यूएसए पार्ट्स तो ले रहा था उस वॉर में, मतलब अपने सोल्जर्स भेजे थे वहाँ पे, लेकिन वेपन्स को बेच के, वेपन्स उसने जो बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, यूके, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज को जो उसने वेपन्स भेजे और उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। और हम ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया इकोनॉमिकल रीजंस। अब हम देखते हैं एक समय आता है 1944, ये वो साल होता है जब 44 एलाइड कंट्रीज, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड आता है, मतलब पीक पे होता है, तब 44 एलाइड कंट्री जो कि अमेरिका के साथ होती है, वो डिसाइड करती है जो उनकी करेंसीज है वो उसको जो यूएस डॉलर के साथ लिंक कर देगी। अब यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी थी और यूएस की इकोनॉमी भी बढ़ रही थी, तो इस वजह से वो जो अपनी करेंसीज को लिंक कर देते हैं अपना यूएस डॉलर के साथ। और उस समय एलाइज कंट्री, जो एलाइड कंट्रीज होती है, वो वर्ल्ड वॉर टू जीतती है तो उल्टा और प्रॉफिट होता है। तो मैंने ही आपको बता दी कि कौन, मतलब दूसरे की जंग में अमेरिका को प्रॉफिट मिला, ये बहुत ज़्यादा बात होती है। अब हम बात करने वाले अमेरिका के साथ भी एक जंग हुई थी, अब उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ। हम देखते हैं 1990 से पहले दो सुपर पावर थी इस दुनिया में, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन, तो इनके बीच में लड़ाई होती रहती है, और एक ऐसी लड़ाई होती है जिसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर के बारे में बहुत सारे लोगों ने जाना होगा, एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी बिटवीन कैपिटलिज्म और कॉम्युनिज्म के बीच में। तो हम देखते हैं कि जो कैपिटलिज्म और कॉम्युनिज्म के बीच में वॉर थी, और ये प्रॉक्सी वॉर थी, मतलब अपने देश में लड़ाई नहीं कर रहा है, जिस देश की जंग थी उस देश में लड़ाई नहीं कर रहा है, दूसरों के देश में जाके जो है लड़ाई कर रहा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉम्युनिस्ट कंट्री थी जहाँ पे कॉम्युनिज्म का ज़्यादा वो था, हम देखे कॉम्युनिज्म ज़्यादा वो हो रहा था वहाँ पे, जो है हम देखते हैं कि यूएसएसआर को जो है हम देखते कॉम्युनिज्म वो सपोर्ट करता है, तो कॉम्युनिज्म जो भी कंट्रीज कॉम्युनिज्म के साथ थी उन कंट्रीज़ को जो यूएसए जो है ख़त्म करना चाहती थी, कैसे, रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करके या वहाँ की सरकार गिरा के, मतलब हम किसी वो किसी कंट्री की जो है इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस रही है। जैसे हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है मुजाहिदीन, जिसको हम तालिबान बोलते हैं, वो उनके साथ मिलते हैं। अब जो हम देखते हैं कि उस समय अफगानिस्तान कॉम्युनिज्म के उसमें था, मतलब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो वहाँ पे कॉम्युनिज्म जो है थी, तो इस वजह से जो है वहाँ पे जो है यूएसए जो है वहाँ मुजाहिदीन मतलब तालिबान से बात करता है, तालिबान जो है बहुत ज़्यादा वो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस को जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है। और तो जो है अपना अफगानिस्तान जो तालिबान के कंट्रोल में है। और हम देखते हैं एक और एग्जांपल है जिससे जो है रोकने की कोशिश की थी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को, वो था नेटो, जिसके बारे में हम देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन था बिटवीन यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भी हम देखते हैं यूएसए जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा फैमिलरिटी जो है बिहेवियर करता है, क्योंकि खुद यूएस मतलब देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो खुद जो है मतलब हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट है ऑन यूएसए। और हम देखते हैं अब जो है सिर्फ एक सुपर पावर बच जाती है, वो कैसे, हम देखते हैं 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट जाता है, तब सिर्फ एक ही सुपर पावर बचती है, वो है अमेरिका, अमेरिका एंड अमेरिका। तो ये मैंने पूरी कहानी बताई, लेकिन ये तो सिर्फ हमारा पहला पार्ट है कि जियोपॉलिटिकली मैंने रीज़न बताया।
अब देखिए हमारे दूसरे रीजन में पहुंचे कि किस तरह से अमेरिका के अंदर ग्रोथ आई। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसी लड़ाई की एक कुछ ऐसे भी प्रेसिडेंट्स आते, प्रेसिडेंट्स आया, प्रेसिडेंट गए, और ऐसे कुछ प्रेसिडेंट थे जो मिलिट्री पे ज़्यादा ध्यान देते थे और कुछ ऐसे भी जो प्रेसिडेंट थे जो कि मिलिट्री पे जो है नहीं ध्यान देते, वो उनको मिलिट्री पे ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं था। इसके मेरे पास दो एग्जांपल है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि जो बाइडन से पहले थे, वो जो है ज़्यादातर देखते थे मिलिट्री पे फोकस देते थे, उनको मिलिट्री पे फोकस देते थे, और बराक ओबामा और इन्हीं के लीडरशिप के अंदर जो है ओसामा को जो मारा गया था, इससे याद रखना कि ओसामा को जो ओबामा ने मारा था, ये तो जोक हो गया। लेकिन हम देखते हैं ओबामा जो है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अपन देखते हैं मिलिट्री में उनको जो ज़्यादातर इंटरेस्ट था देश की भलाई में पीसफुल रिलेशंस बनाने से। तो ये तो मैंने बता दिया कि जियोपॉलिटिकली कुछ लोगों को जो कुछ जो प्रेसिडेंट थे उनको इंटरेस्ट था मिलिट्री में, कुछ को नहीं था। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड रीज़न से जिससे जो अमेरिका को ग्रोथ मिलती है, और उसका जो रीज़न है वो तो इंडियंस को पता ही है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सुंदर पिचाई, सचिन अडेला, ये सब जो है अमेरिका गए। मतलब हम देखते हैं कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स से अमेरिका में नासा के पार्ट होते हैं, और साथ में हम देखते हैं सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सचिन अडेला, इन सब की जो किस्मत है उसको चमका दिया था अपना अमेरिका ने। तो हम देखते हैं कि अट्रैक्ट कर रहा है बेस्ट टैलेंट को जो अमेरिका, और साथ में एक और एग्जांपल है इलोन मस्क, जानते होंगे इनको, साउथ अफ्रीका ने जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है, और इनकी भी जो किस्मत चमका दी थी अपना यूएसए ने, और ऐसे बहुत सारे ढेलों एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिस वजह से जो है अमेरिका ने सपोर्ट किया इन इमिग्रेंट्स को, मतलब इनका करियर बनाया है। ये तो हमारा सेकेंड रीजन था। लेकिन अब हम बात करने वाले उन पॉलिटिशियंस के बारे में जिन्होंने वो प्रेसिडेंट्स के बारे में जिन्होंने जो है मिलिट्री पे ध्यान नहीं, लेकिन अपने देश पे ध्यान नहीं दिया। अब हम देखते हैं कि मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये हाउस रेट का चार्ट है, इस पर आप देख सकते हो सिर्फ 65.8% मतलब 30% ऑफ द अमेरिकन के पास जो है घर नहीं है। अब ये सेकेंड चार्ट है, इसमें जो हेल्थ केयर के बारे में बता दूँ, हेल्थ केयर हम देख रहे हैं अमेरिका का सबसे ज़्यादा महंगा हेल्थ केयर और अच्छा हेल्थ केयर नहीं है। तीसरा चार्ट है ओबेसिटी रेट, हम देखें वहाँ पे लोग कितने फैट हो रहे हैं। तो ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बता दिए, बहुत सारी चीज़ें बता दी, और अगर ये प्रेसिडेंट जो मिलिट्री पे ध्यान दिया, अगर ये अपनी देश की जनता पे ध्यान देते तो शायद से आज अमेरिका जो एक अच्छी कंट्री होता मिलिट्री में भी, फाइनेंस में भी, अपने लोगों की भलाई में भी। हम जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्री देखते जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्रीज़ अच्छी क्यों हैं, बिकॉज इन्होंने अपने देश के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ करी। शायद इनका नाम मिलिट्री में अच्छा नहीं हो, उन्होंने मिलिट्री में ज़्यादा कुछ किया ना हो, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को खुश रखा। सो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई अमेरिका की, और बताया कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया, अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, अब से कोई अगर कोई पूछेगा तो उसको जवाब दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, अगर शेयर करोगे तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मारो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।